कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को सवदी के एक अज्ञात नंबर से हिंदुत्व का प्रचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी मिली है। उन्हें एक समुदाय के खिलाफ बोलने पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस संबंध में खारघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। इससे पहले देवकीनंदन ने हनुमान जयंती पर वाशिम महाराष्ट्र में हनुमान शोभा यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में ईशा निंदा कानून की जरूरत है। उस समय भी दुबई से फोन कर धमकी दी गई थी। ठाकुर की कथा खारघर के सेंट्रल पार्क में जारी है। उन्हें करीब उनके निजी नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने गाली गलौज करते हुए ठाकुर को समुदाय विशेष के खिलाफ न बोलने की धमकी दी। बात न मानने पर बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने फोन पर काफी समय तक गालियां दी। इसके बाद खारघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान अध्यक्ष राम कुमार पाल ने इसकी कड़ी निंदा की है। राधे राधे, सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोरीवली कांदेवली की सफल कार्यक्रम के बाद जहां 50-60 हजार लोग मौजूद थे कथा मंडप में पार्थिव शिवलिंग से पुरानी कथा सुनने में, वहां मैंने सनातन परंपराओं को निभाने की, संस्कृति को जगाने की और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो हम सनातनियों के लिए परमावश्यक है। उसके बाद आज 24 दिसंबर सुबह 11:30-12 बजे करीब मैं बैठा हुआ था और वहां पर मेरे साथ कुछ लोग थे, हम चर्चा कर रहे थे आज की कथा के लिए। उसी समय एक सऊदी अरबिया से फोन आता है। पहले मैंने उठाया नहीं क्योंकि मेरा नंबर हर किसी पे होता नहीं, तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, तो मैंने उठाया ही नहीं पहले। फिर मेरे संग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये फोन उठाइए, पता तो कीजिए कौन है। तो मैंने जब फोन उठाया तो उसने इतनी गालियां दी, पता नहीं कहां से लोग ये इतनी गालियां सीख लेते हैं, इतनी गालियां दी। और उसके बाद उसने जो मुझे धमकी दी कि तुमको कितनी बार कहा है कि मुसलमानों से दूर रहो, मैंने कहा मैं तो कभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, हमारे धर्म के किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं अपने संस्कार की बात करता हूं। परंतु उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बम से उड़वा दूंगा, मैं तुम्हें चौक पे जिंदा जलवा दूंगा, और भी उसने ऐसे बहुत अब्यूज शब्द बोले। खैर मैं सनातनी हूं, मैं सनातन का कार्यकर्ता था, कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा।